रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 है। 6.2 के जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस हैं, 1, 4, 6 एंड 11। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन है और उसके बाद आपने इसको सिंपलीफाई करना है। वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर, ये 1 हमने अपनी मर्ज़ी से लगाया, अगर ना भी लगाएं तो खैर है। इसी तरह इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ऐसे क्वेश्चन आप पहले शायद 5.1 या 5.2 में कर चुके हैं, वही फैक्टराइजेशन है, वही सिंपलीफिकेशन है। आप देखें जी, जब हम इसके फैक्टर बनाने हैं, उसूल ये होता है कि ये वाली जो लास्ट वैल्यू है, इसको अगर यहाँ जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। अगर कोई भी कोफिशेंट नहीं है तो 1 अपनी तरफ से लगा लें। आप देखें, हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है जी किससे, माइनस सिक्स से। हमारे पास कितना आ गया जी, माइनस सिक्स। अब इस माइनस सिक्स के इस तरह के दो पेयर बनाने हैं कि अगर हम उनको माइनस करें तो यहाँ भी कुछ ना हो तो 1 है, माइनस 1 आना चाहिए। दो ऐसे डिजिट ढूँढें, अगर उनको माइनस करें जवाब माइनस 1 आए, अगर उनको मल्टीप्लाई करें आंसर माइनस 6 आए। तो हमारे पास 2 एंड 3, दो ये ऐसे डिजिट हैं कि अगर हम इसमें से माइनस करें तो हमारे पास माइनस 1 आ सकता है। माइनस 1 आंसर के साथ माइनस है, तो बड़ी के साथ माइनस लगा दें, छोटी के साथ प्लस लगा दें। अब प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व करें देखें, तो इसमें से क्या आएगा, माइनस 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6। तो हम यहाँ पर ये देखें, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, अब इस माइनस एक्स की जगह पर इनके साथ एक्स लगा कर यहाँ लिख देंगे, ये बन जाएगा जी प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 ओवर इस एक्स स्क्वायर को आप यूँ लिख सकते हैं और इस 9 को हम यूँ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो, इसके बाद सेम यही काम हमने इधर करना है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस 1 को इस माइनस 24 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 24, माइनस 24 आ गया। माइनस 24 के इस तरह के दो पेयर बनाएं कि हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस का 2। तो 6 एंड 4, प्लस का 6 कर दें, माइनस का 4 कर दें। प्लस के 6 में से माइनस के 4 गए तो प्लस का 2 बच गया। इस प्लस 6 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आता है। पॉजिटिव आपको यहाँ पॉजिटिव 2 चाहिए, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये माइनस 24 आ रहा है, आपको माइनस 24 चाहिए, तो माइनस ही लेना, पॉजिटिव क्यों लेना है हमें। बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव, वो उस वक्त होता है जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो यहाँ आना चाहिए, वो आ चुका है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस बस माइनस यूँ देख, फिर मल्टीप्लिकेशन में बड़ी छोटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता जी। अब हम यहाँ लिखेंगे जी, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, इस 2x की जगह पर इन दो वैल्यूज़ के साथ x लगाकर, यानी प्लस 6x माइनस 4x और ये माइनस 24 वैसे का वैसे ओवर। अब फिर यहाँ वो मरला आ गया, यहाँ कुछ नहीं है 1, आप क्या करें जी, इस 1 को मल्टीप्लाई करें किससे, माइनस 12 से। कितना आ गया, माइनस 12 आ गया। इस माइनस 12 के इस तरह के दो पेयर बनाएं कि हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस 1, तो वो 4 एंड 3, माइनस का 4 ले लें प्लस का 3, माइनस 4 में से 3 गए तो माइनस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12। अब एक्स स्क्वायर इसकी जगह पर इनके साथ एक्स लगाकर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 लिख जी। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो, नेक्स्ट है जी, आप देख रहे हैं जी इन दो में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है जी, x कॉमन है जी, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया। यहाँ 3 कॉमन ले लें तो यहाँ भी x प्लस 2 आ गया ओवर। इनको हम इस फार्मूले की मदद से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा था, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, यानी जिन दो वैल्यूज़ के अगर स्क्वायर हों दरमियान में माइनस हो तो इन दोनों को एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखा जा सकता है। सो हम लिख सकते हैं ये एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इन दो में कॉमन देखें, एक्स स्क्वायर और 6x में x कॉमन था तो x प्लस 6, इसमें 4 कॉमन ले लें तो ये आ गया जी x प्लस
सिक्स ओवर, इन दो में क्या कॉमन है जी, एक्स, एक्स माइनस फोर आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन है जी, थ्री, तो एक्स माइनस फोर आ गया। अब जी जो इनमें कॉमन है, अगेन अब इस वैल्यू में क्या कॉमन है, एक्स प्लस टू इसमें भी है इसमें भी है, इसको कॉमन ले लें, इसी तरह इसमें ये कॉमन है इसको अलहदा कर लें, इसी तरह ये और ये कॉमन है, इन कॉमन को अलहदा निकाल लें, ये हो जाएगा जी एक्स प्लस टू इन टू, इस एक्स और थ्री को मिलाएं, एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस थ्री इन टू एक्स माइनस थ्री प्लस, इन दो में क्या कॉमन है जी, एक्स प्लस सिक्स, इसको अलहदा कर लें, ये एक्स और ये फोर इनको इकट्ठा करके लिख दें, ओवर नीचे भी एक्स माइनस फोर कॉमन है जी, और ये आ जाएगा जी एक्स प्लस थ्री। अब इन यहाँ देखें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई सेम वैल्यू तो नहीं है, जो सेम है उसको कैंसिल आउट कर दें, ये एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री से कट आउट हो गया, ये एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर से कट आउट हो गया, जो वैल्यूज़ बच जाएँ उनको लिखें एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री प्लस यहाँ पर एक्स प्लस सिक्स ओवर एक्स प्लस थ्री। अब इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स प्लस थ्री जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम ही आ जाएंगी, तो हम लिख पाएंगे जी एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस सिक्स, इसको सॉल्व कर लें, एक्स और एक्स टू एक्स हो गया, सिक्स एंड टू एट हो गया, ओवर एक्स प्लस थ्री, ऊपर टू कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लिया तो अंदर बच गया टू एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस थ्री, दिस इज़ योर आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर फोर, बिल्कुल उसी तरह ये एक्स प्लस टू वैसे का वैसे लिख दें, एक्स प्लस थ्री को भी वैसे का वैसे लिख दें, नीचे जो एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर प्लस, इधर जो है ये एक्स प्लस टू वैसे का वैसे, इन दो में क्या कॉमन है जी, टू कॉमन है, एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन हो जाएगा ये, ओवर ये एक्स माइनस फोर वैसे का वैसे, इसको देखें ज़रा, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ये यहाँ कुछ भी ना तो वन है, तो वन को जब माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स आएगा, इस तरह के दो पेयर बनाने हैं कि हमें माइनस वन चाहिए, थ्री एंड टू या टू एंड थ्री, माइनस का थ्री प्लस का टू, सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस वन आता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स। अब जी ये एक्स प्लस टू एज इट इज़, एक्स प्लस थ्री वैसे का वैसे, इसको फार्मूले के तहत एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख देंगे, प्लस एक्स प्लस टू एन टू, ये टू यहाँ रहने दें, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वेयर माइनस फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन को, ओवर ये एक्स माइनस फोर वैसे का वैसे, इन दो में कॉमन लें तो एक्स आ गया एक्स प्लस टू, माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो ये भी एक्स प्लस टू। नाउ इसमें से जो कटता है उसको काट डालें, फिर कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफाई होगा, एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बच गया जी, एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस, इधर जी एक्स प्लस टू इन टू ये टू, यहाँ भी वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है, एक दफ़ा दोनों को प्लस कर दें और एक दो दोनों को माइनस कर दें जी, ये टू की जो है ब्रैकेट ना भी लगाएं, ओवर नीचे जी एक्स माइनस फोर इन टू, ये एक्स प्लस टू दोनों में कॉमन है तो एक्स प्लस टू इन टू, इस एक्स और माइनस थ्री को इकट्ठा करके लिखें, यहाँ देखें कोई वैल्यू कटती है, ये एक्स माइनस फोर से एक्स माइनस फोर कट गया, इस एक्स प्लस टू से ये एक्स प्लस टू कट गया, जो बाकी वैल्यूज बच गई हैं उनको लिख दें, एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस टू इन टू एक्स प्लस फोर ओवर एक्स माइनस थ्री। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम पिछले क्वेश्चन की तरह बड़ा सिंपल, जो दो यहाँ भी एक्स माइनस थ्री है यहाँ भी एक्स माइनस थ्री, वही वाला एलसीएम आ जाएगा जी, आप इसको यूँ भी ले सकते हैं जी एक्स माइनस थ्री, जब नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली भी सेम ही आती है, हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू प्लस टू इन टू एक्स प्लस फोर,
अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा जी, ये x प्लस टू वैसे का वैसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस 2x, 4 टू ज़ार 8 ओवर x माइनस 3। अब x और 2x कितना हो गया जी, 3x, 2 एंड 8 10 ओवर x माइनस 3। दिस इज़ योर आंसर।